कौन क्वेश्चन? वही वाला सवाल, कल वाला सवाल। कॉस्ट ऑफ द एसेट 20,000, यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स, रेजिडुअल वैल्यू 5,000, डेप्रिसिएशन मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक हो गया। आज हम कहते हैं जी प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट, प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट ऑफ द लिखे लाइन लिखे, प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग 31st December 2007 and 2008 and 9 bill 3 2007 2008 and 2009। अब आप इसकी रिक्वायरमेंट देखें। इसकी रिक्वायरमेंट में मैंने आपको लिखवा है प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका मतलब है कि आपने लेजर नहीं बनाना, पहली बात, यानी कि टी अकाउंट्स अब आपके आंसर में नहीं होने चाहिए। सही हो गया। आपने स्ट्रेट अवे क्या करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप कैसे इसको रिपोर्ट करेंगे, आपने वो बताना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मुराद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या वैल्यू आएगी, नंबर वन। नंबर टू, प्रॉफिट एंड लॉस में, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में क्या आएगा, एंड नंबर थ्री, नोट्स टू द अकाउंट में क्या आएगा। जब हम कहते हैं ना द वर्ड एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होगा, एक्सट्रैक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट मीन्स जो आपको इशू बताया जा रहा है क्वेश्चन के अंदर, इसको कंपनी की बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे रिपोर्ट कर। जब वो कहेगा प्रिपेयर लेजर अकाउंट, जो कि एफ आर वन में नहीं आएगा रिक्वायरमेंट, इंट्रो का रिक्वायरमेंट, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आ जाए तो फिर इसका मतलब है कि आपने टी अकाउंट बनाना। और अगर वो आपसे ये कि पास द जर्नल एंट्रीज, तो फिर आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी, जर्नल बुक बनानी पड़ेगी, और उसमें आपको बताना पड़ेगा कि दिस अकाउंट इज गोइंग टू बी डेबिट, एंड जो नॉर्मल जो हम डबल एंट्री पास करते हैं। तो तीन तरह की रिक्वायरमेंट्स एग्जाम में आए। एफ आर वन में सबसे जो रेलेवेंट है रिक्वायरमेंट, वो क्या है, वो जो मैंने अभी आपको लिखवाई, प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट्स ऑफ द फाइनेंशियल, दिस इज द मोस्ट रूटीन रिक्वायरमेंट इन एफ आर वन। ठीक, ओके। एक्सेप्शनली आ सकती है पास द जर्नल एंट्रीज, ठीक, कभी कभार ये भी आए। और तीसरी रिक्वायरमेंट मैंने आपको वैसे ही बताया, ये इंट्रो की रिक्वायरमेंट है, तो एफ आर वन में इज़ वेरी रेयर ये इसमें आए। तो अभी ये सादा सा सवाल है, दो से ढाई लाइनों का है, इसको 10 लाइनों में ले जाएंगे तो ये एफ आर वन का सवाल बन जाएगा। चार पांच इशूज और डाल देंगे इसके अंदर तो ये एफ आर वन का सवाल बन जाएगा। ठीक हो गया। लेकिन बेसिक थीम यही रहेगा, जिस जो बेसिक फाउंडेशन बनेगी कि आंसर कैसे करना है, वो ऐसे ही रहेगा। ठीक हो गया। तो अभी हम क्या कह रहे हैं जी, प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2007, 2008 एंड 2009, तीन सालों की आपने एक्सट्रैक्ट बनाया। ठीक हो गया। अब अगर हम तीन सालों के एक्सट्रैक्ट बनाएं तो पेपर में आपने कैसे करना था, आपको इस तरह अगर सवाल आ जाए तो आपने यहाँ पे लिखना जनाब एसओएफपी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, आगे आप आए तीन कॉलम्स बनाए, जितने साल, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आपके पास क्या है, 2007, 2008, 2009, 7, 8 एंड 9, सो 2009, 2008 एंड 2007, 3 साल बने, 3 ईयर्स। द मोस्ट रिसेंट ईयर जो होता है वो लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे जो उससे पहले वाला साल, फिर उससे राइट साइड, अगर आपको दो नॉर्मली दो साल आएंगे, ठीक, दो साल जब आएंगे तो रीसेंट ईयर इधर होगा और पीछे उससे पहले वाला साल राइट साइड पे होगा। इसको हम क्या कहते हैं,
इसको हम कहते हैं कंपैरेटिव्स, याद रखनी है ये वर्ड, याद रखना है। इट इज कॉल्ड एज नोन एज कंपैरेटिव्स, कंपैरिजन्स के लिए। ये किसकी रिक्वायरमेंट है? ये IS-1 की रिक्वायरमेंट। आप जब भी किसी साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देंगे, साथ में पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फिगर्स भी आपने देंगे। तो क्यों देनी है जी साथ में? ताकि पिछले और इस साल को आपस में कंपेयर किया जा सके और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूज़र्स हैं उनकी डिसीजन मेकिंग जो है वो बेहतर हो सके। ताकि क्योंकि अगर आप सिंपली उन्हें कोई एक साल बता देंगे तो दे हैव नो आइडिया व्हाट इज़ द चेंज ओवर द ईयर। सही हो गया। अब आप देखें, ये आ गया आपके पास SOFP, और SOFP में हमने क्या रिपोर्ट करने हैं जनाब? नॉन करंट एसेट्स। तो हमने रिपोर्ट करना अंडर द हेडिंग नॉन करंट एसेट्स, और जो भी एसेट का नाम है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे एसेट का नाम है प्लांट, हमने एक हेडिंग बना देनी है एंड दैट इज property, plant and equipment on the face of the SOFP. इसको हम क्या कहते हैं? On the face, यानी कि main SOFP का जो पेज है उसके ऊपर आपने एक सिंगल लाइन डिस्क्लोजर दे। डिस्क्लोजर मीन शो करना है, डिस्क्लोज करना, सिंगल लाइन में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ऐसे नहीं करना कि हम लैंड अलहदा शो कर रहे हैं, बिल्डिंग अलहदा शो कर रहे हैं, फर्नीचर एंड फिक्सर अलहदा शो कर रहे हैं, इक्विपमेंट अलहदा शो कर रहे हैं। तो चार पांच लाइंस आप यहाँ पे बना देंगे, ऐसे नहीं करना। कैसे करना है? हमने एक सिंगल लाइन डिस्क्लोजर। अब इसके अंदर क्या क्या है इसका डिस्क्लोजर हम नोट्स टू दी अकाउंट में बताएंगे। समझ आ रही बात? तो ये आ गया जनाब हमारे पास नॉन करंट एसेट, ये SOFP आ गई, और इसको आगे लिख लेते हैं जनाब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस तीन सालों की, इसमें आपने क्या डिस्क्लोज करना है? इस एसेट से रिलेटेड डेप्रिसिएशन, ये एक ही चीज आनी है ना इस एसेट से रिलेटेड। क्या है जनाब हमारे पास अभी? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ये जनाब हमारे पास आ गया एक्सट्रैक्ट। अब इसका मतलब क्या होता है कि पूरी SOFP बनाने की जरूरत नहीं है, पूरी प्रॉफिट एंड लॉस बनाने की जरूरत नहीं है। जो हम आपको इशू बता रहे हैं उससे रिलेटेड जो चीज़ें बनती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो हमें बता दें बस। सही हो गया। पहली बात आपने ये याद रखनी कि एक्सट्रैक्ट से मुराद क्या लिया जाता है, कि जो भी आपको इशू बताया जा रहा है क्वेश्चन के अंदर, जो भी ट्रांजेक्शन आपको बताई जा रही है, इस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जो जो भी डिस्क्लोजर्स बनते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो आप हमें बता दें। डिस्क्लोजर का लफ्ज़ आप शायद आपके लिए नया है, लेकिन इसको मैं और आप इतनी दफ़ा रिपीट करेंगे कि ये हमारे जुबान पे आ जाना चाहिए। डिस्क्लोजर मीन्स व्हाट टू एंड हाउ टू रिपोर्ट समथिंग अबाउट अ ट्रांजैक्शन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या डिस्क्लोज करना है, कैसे रिपोर्ट करना है, इसको हम डिस्क्लोजर कहते हैं। ठीक ठीक ले जाओ। इसके बाद हमारे पास है नोट्स टू द अकाउंट। नॉर्मली FR-1 में नोट्स टू द अकाउंट को जनरली हम वर्किंग्स ही बना लेते हैं, बेसिकली वो वर्किंग्स बन जाते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आगे नोट्स, अगर मैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का नोट बनाऊं तो क्या बनेगा? इसको अपना फॉर्मेट अपने पास लिख लें, ये घर में जाके आपने इसको बार बार देखना है। ओके, इसको देखने से मुराद ये है कि जेहन में बिठाना है इसको, ये कैसे बनेगा, कैसे बनेगा जनाब? आपने हेडिंग दे दी, अब आगे आप कॉलम्स बना लें। कॉलम्स आप बनाएंगे कितने PP आपके पास कौन कौन सा है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास लैंड भी हो सकती है, तो यू विल राइट अ कॉलम लैंड। आपके पास बिल्डिंग भी हो सकती है, बिल्डिंग। इसका मतलब है जितनी भी तरह के एसेट्स हैं उनका हर एक अलग अलग आपने कॉलम बना लें। लैंड है, बिल्डिंग है, इक्विपमेंट है, व्हीकल्स हैं, फर्नीचर है, व्हाटएवर, जितने भी हैं। अब पेपर में आपको मैक्सिमम तीन आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे, देयर विल बी 3। सही, लैंड एंड बिल्डिंग को इकट्ठा कर लेंगे हम,
ठीक, और आपको पता है कि लैंड पे डेप्रिसिएशन, आपको पहले से पता होगा, मैं एक दफ़ा आपको याद दहानी करा दूं कि लैंड पे हम डेप्रिसिएशन नहीं ले रहे होते, सही हो गया। लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, आगे जो भी जितने भी आप कॉलम्स बनाते जाएं, लेकिन नॉर्मली पेपर में मैक्सिमम 3 कॉलम्स आपको बनाने पड़ेंगे, सही हो गया। सबसे पहले इसमें आपने लिखने के बाद यहाँ पे आपने लिखना है कॉस्ट, हेडिंग देनी है आपने कॉस्ट, कि ये जो आपके एसेट्स हैं इनकी कॉस्ट के बारे में, ठीक। जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे एट द स्टार्ट ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, जब अकाउंटिंग ईयर शुरू हुआ तो इनकी क्या वैल्यूज थी। जैसे अकाउंट अगर आपके जेहन में हो तो अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक। ऐसे ही है ना, अगर मैं यहाँ पर अकाउंट बना लूँ तो किसी भी एसेट से रिलेटेड कितने अकाउंट होते हैं हमारे पास, हमारे लेजर के अंदर। तो हम कहते हैं कि जनाब अगर एक डेप्रिसिएटिंग एसेट है तो उससे रिलेटेड कंपनी के या बिजनेस के लेजर में 2 अकाउंट होते हैं, एक उसका कॉस्ट अकाउंट, दूसरा उसका अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन, देयर आर 2 अकाउंट ऑलवेज। तो यहाँ पे अगर जो हमारे पास एसेट है उसका अगर हम अकाउंट खोल लें, ठीक, तो आपने लिखा जनाब 1 जनवरी 2007 को आपने एसेट परचेज किए, कितने का, 20,000। इसका मतलब 2007 जब शुरू हुआ तो इसके स्टार्ट पे कोई बैलेंस नहीं था, इट वाज नील, ठीक। लेकिन जनरली होगा बैलेंस, ठीक। इसी तरह अगर मैं 2008 का बनाऊं तो उसके स्टार्ट पे था बैलेंस, इसका मतलब है एट द स्टार्ट। और ये अकाउंट फॉर्म में लिखा होगा तो ये यहां पे लिखा होगा, ठीक, इट्स ऑन द डेबिट साइड। अब अगर आप पेपर में एग्जामिनर आपको कह रहा हो कि आपने एक्सट्रैक्ट बनाने हैं, नोट्स टू द अकाउंट बनाने, और आप उसको टी अकाउंट बना के दे के आएंगे, नेचुरली उसका इफेक्ट आएगा, आपके मार्क्स जो है वो ऑटोमेटिकली वो काट लेगा, क्योंकि आप उसके रिक्वायरमेंट को कंप्लाई नहीं कर। हाँ, आंसर आपका ठीक आ रहा होगा क्योंकि बैलेंस तो वही आएंगे, ठीक, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, उसकी प्रेजेंटेशन हमने इस तरह से करनी। सो एट द स्टार्ट, स्टार्ट के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे एडिशंस। एडिशंस का क्या मतलब है, ड्यूरिंग द ईयर जो आपने नए एसेट्स खरीदे, जितने भी नए एसेट्स खरीदे, दैट इज कॉल्ड एज एडिशंस। जो आप टी अकाउंट में कहाँ पे लिख रहे होते हैं, जैसे अभी हमने 2007 में नया एसेट खरीदा, आपने लिखा एंड एसेट अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट क्रेडिट, कितने का खरीदा हमने, 20,000, इट्स विल बी ऑन द डेबिट साइड। अब इसी चीज को जब आप इसमें लिखेंगे तो आप इसको क्या लिख रहे होंगे, एडिशंस, कॉल्ड एज एडिशंस, ठीक। अब इसके अंदर मूवमेंट्स आएंगी, वो मूवमेंट्स अभी हमने पढ़नी, इन मूवमेंट में अभी हम एक मूवमेंट को जान रहे हैं, और वो क्या है, ड्यूरिंग द ईयर आप अगर एक नया एसेट परचेज कर लो। अब इसके अलावा भी हो सकते हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, जैसे अगर हम खरीद सकते हैं तो हम बेच भी सकते हैं, ठीक। एक एसेट जो है ड्यूरिंग द ईयर सेल भी किया जा सकता है, 2 मूवमेंट तो ये होगी। एक और मूवमेंट आएगी तीसरी, जब हम रिवैल्यूएशन मॉडल पढ़ेंगे। अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के 2 मॉडल हैं, एक है कॉस्ट मॉडल और दूसरा है। सो यहां पर ये जो सेक्शन है ये मूवमेंट का है, और मूवमेंट के बाद आपके पास आ जाएगा बैलेंस एट द एंड, साल के आखिर में क्या वैल्यू, सही हो गया। अब क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस एट द स्टार्ट प्लस एडिशंस, अगर डिस्पोजल हुए तो माइनस, दैट इज द क्लोजिंग बैलेंस। टी अकाउंट में अब आप देखें आपके पास अगर यही मूवमेंट है तो आपके पास बैलेंस आ जाए। अब इसको हम क्या कह रहे हैं, एट द स्टार्ट ओपनिंग बैलेंस, और क्लोजिंग बैलेंस को क्या कह रहे हैं अब हम, एट द एंड। यानी कि टर्मिनोलॉजी डिफरेंट है लेकिन बात वही है जो हमने पहले सीख ली हुई, उसको प्रेजेंट कैसे किया जा रहा है, दैट इज अ डिफरेंट, ठीक हो गया। सो एट द स्टार्ट एट द एंड। अब अगर हम अपने इक्विपमेंट को लें तो हम कहते हैं जनाब ये एट द स्टार्ट तो कुछ नहीं था 2007 में, एडिशन हुआ 20,000 का, तो एट द एंड कितना आ गया, 20,000, सही हो गया। अब आप दूसरी एडिंग देंगे एंड दैट इज अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन, accumulated depreciation,
जनाब एसेट में डेप्रिसिएशन पे क्या क्या मूवमेंट आई ड्यूरिंग द व्हाट आर द मूवमेंट इन डेप्रिसिएशन। ठीक, अब आपके पास जो एसेट आपने खरीदा उसका आपने अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट खोल लिया, और हमारे पास है जनाब इसी तरह अकाउंटिंग ईयर जब शुरू हुआ एट द स्टार्ट तो हमारे पास जनाब एट द स्टार्ट जो है 2007 के शुरू में, क्योंकि हमने एसेट इसी साल खरीदा है तो इससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन कोई नहीं, इट्स नील जीरो, ओपनिंग बैलेंसेस जीरो। अब आपने ली जनाब डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, तो आपने जब डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर ली तो क्या एंट्री पास की हमने, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन, और हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की 20,000 माइनस 5,000 डिवाइडेड बाय 10, ऐसे ही है। अब हमने इसको खरीदा कब है जनाब, यकम जनवरी को ही, और ईयर एंड है हमारा 31 दिसंबर, तो हमने पूरे 12 माह के डेप्रिसिएशन ले, तो हमने एंट्री कर दी डेप्रिसिएशन टू अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन 1500। ठीक हो गया, अब आप इस नोट में आएंगे और आप यहां पे लिखेंगे जनाब डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, और इसके साथ नॉर्मली आपकी मेन वर्किंग अटैच हो पेपर में सवाल में, या आप इसके साथ रेफरेंस लिखेंगे वर्किंग नंबर 1 या 2 जो भी आप पेपर में उसको बनाएंगे, तो ये जरूर कंपल्सरी वर्किंग है, ये आपने जरूर बतानी। इसके बाद आगे सवाल के आगे वर्किंग का हेडिंग खोलें और उसको बताएंगे जी ये कैसे कैलकुलेट। ठीक, तो जैसे अभी हम करें तो मैं यहाँ पर आगे आऊँगा डूट सू द अकाउंट जो बना रहा हूँ उससे आगे पेज पे जाऊँगा और मैं लिखूँगा वर्किंग, और वर्किंग का नंबर बता दूंगा उसको जनाब, फॉर एग्जाम्पल इट्स वर्किंग नंबर 1, और यहाँ पर मैं लिखूँगा जनाब डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय useful life, so it is 20,000 minus 5,000 divided by 10, so it is 1500. So अगर आपने month portion करनी है तो आगे उसको month portion कर, तो ये working आपने जरूर बतानी है examiner, सही हो गया। तो यहाँ पर आ गया जी depreciation for the year, so we will write here 1500, और फिर हम लिखेंगे at the end, वैसे ही closing balance at the end, कितना आ गया जी 1500, सही हो गया। अब ये जो दो फिगर हैं 20,000 कॉस्ट एट द एंड और 1500 अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन एट द एंड, अब आप यहां पे क्या करेंगे इसके आगे लिखेंगे कैरिंग वैल्यू एट द एंड, सो कैरिंग वैल्यू एट द ईयर एंड कितनी बनेगी 20,000 माइनस 1500, ये कितना बन गया 18,500, हो गया। अब आप इस 18,500 को उठाएंगे और पीपी के आगे आएंगे, इधर लिख देंगे 18,500, यानी कि आपने फेस ऑफ द एसओएफपी पे पीपी का सिंगल लाइन डिस्क्लोजर देना है, और उसकी मेजरमेंट आपने किस पे करनी है नेट बुक वैल्यू पे करेंगे, और इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे डेप्रिसिएशन के आगे लिख देंगे 2007 की वर्किंग करके लिख दिया ना, ये जो आपने नोट बनाया इसमें आपने बताया कि 2007 में क्या मूवमेंट आई, ऐसे ही 2007 में क्या मूवमेंट्स आई इक्विपमेंट के अंदर जो आपने खरीदा। जब अकाउंटिंग ईयर शुरू हुआ तो हमारे पास कोई इक्विपमेंट नहीं था बिजनेस के पास, ड्यूरिंग द ईयर उसने 20,000 के इक्विपमेंट खरीदे और ईयर एंड पे उसके पास जो इक्विपमेंट है उसकी कॉस्ट है 20,000। ड्यूरिंग द ईयर इन 2007 अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन में क्या मूवमेंट आई, साल के शुरू में इट वॉज नील, ड्यूरिंग द ईयर आपने 1500 की डेप्रिसिएशन ली, साल के एंड पे कितनी है 1500, तो इसकी नेट बुक वैल्यू क्या बनी 20,000, ऐसे निकालते हो नेट बुक वैल्यू क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंट माइनस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्या थी कैरिंग वैल्यू क्या होती है नेट बुक वैल्यू क्या होती है कॉस्ट माइनस यही नहीं होती
अभी भी हम यही कर रहे हैं, कॉस्ट माइनस अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन, क्या आ गया जी, कैरिंग वैल्यू, नेट बुक वैल्यू। और ये फिगर उठा के हमने कहाँ पे लिख दी है, 2007 की एसओएफपी के फेस पे। और डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कहाँ पे लिख दी है, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक हो गया, ये था जी 2007। अब फॉर एग्जांपल, अब आपको समझ आ गया होगा ना कि तीन कॉलम्स बनाने। अब मैं यहाँ पे बना देता हूँ 2008 और इसको बना देता हूँ 2009। और ये किसकी वर्किंग है, तो हम कहते हैं जी ये इक्विपमेंट की वर्किंग। सही हो गया, सो दैट इज द थ्री है, 2007, 2008, 2009। अब 2008 जब शुरू होगा तो एसेट का ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, 20,000। ड्यूरिंग द ईयर कोई मूवमेंट आई, तो हम कहेंगे कोई मूवमेंट नहीं आई, हमारे को एसेट में अभी तक 2008 में कोई मूवमेंट नहीं आई, तो इसका मतलब इसका क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा, 20,000। अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन 2008 के शुरू में कितनी होगी, पिछले साल के एंड पे 1500 थी, इस साल के शुरू में 1500। ड्यूरिंग द ईयर आप कितनी डेप्रिसिएशन लेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड है, अगेन 1500। साल के एंड पे कितनी हो जाएगी, 3000। सो कॉस्ट माइनस अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन 17,000। ये क्या आ गई जी, नेट बुक वैल्यू। तो 2008 में आप लिखेंगे यहां पे 17,000 और इसकी डेप्रिसिएशन आप लिख देंगे 1500। सही हो गया। इसी तरह 2019 में आ जाएंगे आप, ओ सॉरी 2009 में आप जब आएंगे तो इसका एट द स्टार्ट क्या बनेगा, अगेन 20,000। ओपनिंग बैलेंस कितना आ जाएगा, अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन 3,000। पिछले साल के एंड पे कितना था, 3,000। इस साल के शुरू में कितना आ गया, ये 3,000। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कितनी आ जाएगी, वन सके 1500, 4500। तो 20 माइनस 4,000 500, 15,500। यहां पे हम क्या लिखेंगे, 15,500। अब अगर आप देखें इफेक्टिवली ये क्या है, ये नोट्स टू द अकाउंट जो है ये क्या है, तो हम कहते हैं ये बेसिकली दो अकाउंट थे जो हम बनाया करते थे, एसेट कॉस्ट अकाउंट और उससे रिलेटेड अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन। ये दो अकाउंट हैं, फर्क सिर्फ हमने इतना डाला है कि उसको टी अकाउंट के बजाय स्टेटमेंट फॉर्म में ले, सिर्फ ये फर्क पड़ा। अगर गौर करें तो कोई नई बात नहीं है, नई बात इन अ सेंस ये जरूर है कि आपने लेआउट चेंज कर दिया। पहले आप ये इन्फॉर्मेशन लेफ्ट और राइट साइड पे लिखा करते थे, टी अकाउंट बनाते थे और एडिशंस लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं, अगर आपने बेच दिया तो उधर चले जाएंगे राइट साइड पे, ठीक, और क्लोजिंग बैलेंस आ जाता था। तो ये वो टी अकाउंट ही है जिसको हमने क्या बना दिया है, स्टेटमेंट फॉर्म। और यही अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी स्टेटमेंट फॉर्म में बन गया। तो इसका मतलब जब हम अकाउंट को स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं तो वो क्या बन जाता है। अब ऐसा हम क्यों करते हैं, ऐसा हम इसलिए करते हैं कि जो यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं, अगर आप उनको टी अकाउंट बना के दिखाएंगे तो दे विल बी कंफ्यूज के व्हाई दे हैव रिटन इट इज ऑन द राइट साइड एंड व्हाई समथिंग हैज बीन रिटन ऑन द लेफ्ट साइड, बिकॉज दे डोंट नो कि ये टी अकाउंट क्या है, ये क्या होता है, ये क्या मैथमेटिक्स है इनकी, क्या हिसाब किताब है इनकी, उनको तो नहीं ये नॉलेज है। लेकिन बेसिक मैथमेटिक्स का उनको नॉलेज जरूर, इफ़ यू आर एडिंग समथिंग और सब्सट्रैक्टिंग समथिंग तो उनको पता है ये सिंपल मैथमेटिक्स है कि ये चीज़ ऐड हो रही है, ये चीज़ माइनस हो रही है। लेकिन अकाउंटेंट को ये पता है कि जब वो कोई चीज़ ऐड कर रहा है, फॉर एग्जांपल कि मैं अगर एसेट अकाउंट में कोई चीज़ ऐड कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि ये टी अकाउंट में इस अकाउंट में डेबिट हुई थी इसलिए ऐड, और अगर मैं कोई चीज़ यहाँ से माइनस करूँगा तो उसका बैकग्राउंड क्या है कि ये इसके अकाउंट में क्रेडिट हुई थी तो मैं माइनस करूँ। इन द सेम वे विद द अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन, अगर कोई चीज़ क्रेडिट हो रही है इस अकाउंट में तो वो इसमें क्या हो जाएगी, ऐड, इसका और अगर कोई डेबिट होगी तो वो माइनस। इसका मतलब है अगर हम आज अपने जेहन में एक बात बड़ी अच्छी तरह बिठा लें
कि जब हम स्टेटमेंट फॉर्म बनाते हैं तो हमने कहा जब हमारे पास जितने भी अकाउंट्स आएंगे वो कितनी फैमिलीज के होंगे, तो हमने कहा वो 5 फैमिलीज के होंगे। मैक्सिमम कितनी फैमिलीज है, 5 ही है ना, देयर ओनली 5। एक है हमारे पास एसेट, ठीक, दूसरा है हमारे पास एक्सपेंस, फिर है हमारे पास इक्विटी कैपिटल लायबिलिटी एंड, ठीक हो गया। अब आपने जेन में एक बात अच्छी तरह बिठा लेनी आज और बार बार अपने आप को बतानी अगर नहीं पता पहले, और वो ये है कि ये एसेट अकाउंट जो है इसकी नेचर क्या है, डन। अब इनके अकाउंट में अगर आप स्टेटमेंट फॉर्म बना रहे हो किसी भी एसेट की तो उसकी नेचर क्या है, डेबिट। अगर आपको डबल एंट्री पास करते हैं और एसेट डेबिट होता है अकाउंट, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एसेट खरीदा तो आप एंट्री क्या करोगे, एसेट अकाउंट डेबिट कैश या पेएबल, सही। अगर तो ये अकाउंट डेबिट हो रहा है तो इसका मतलब है आप उसको ऐड कर दें, ठीक है, इफ समथिंग इज बीइंग डेबिट तो ये एसेट अकाउंट में ऐड होगी, ठीक। एक्सपेंस अकाउंट अगर डेबिट हो रहा है तो भी प्लस हो रही होगी, बट इफ समथिंग इज डेबिट इन इक्विटी माइनस माइनस माइनस, क्योंकि ये उसकी ऑपोजिट नेचर में, सही हो गया। और अगर कोई चीज क्रेडिट हो रही है इट्स गोइंग टू बी माइनस माइनस, सही हो गया जरा। दिस इज एन ओपनिंग बैलेंस, दे ऑलवेज हैव दिस नेचर डेबिट एंड दे ऑलवेज हैव दिस नेचर क्रेडिट। अब ये थीम आपने याद रखना, डेबिट्स मीन्स कि इफ एन एसेट अकाउंट इज बीइंग डेबिटेड बाय सम ट्रांजैक्शन तो उसका इफेक्ट हम एसेट अकाउंट में क्या कर रहे होंगे, एड अप कर रहे होंगे, और अगर क्रेडिट हो रहा है तो हम उसको माइनस कर रहे होंगे। इसी तरह इक्विटी लायबिलिटी इनकम्स, नॉर्मल नेचर क्या है इनकी, क्रेडिट। अगर कोई कोई चीज कोई ट्रांजैक्शन से ये अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं तो हम स्टेटमेंट फॉर्म में इसको क्या कर रहे होंगे, एड, और अगर डेबिट हो रहे हैं ये अकाउंट तो हम स्टेटमेंट फॉर्म में इसको माइनस कर रहा हूं। सो दैट इज द बेसिक्स ऑफ नोट्स टू द अकाउंट, ये याद रखने। इसका मतलब है कि नोट्स टू द अकाउंट में जब हम इंफॉर्मेशन को लिखते हैं तो ये याद करना नहीं है, इसका मतलब हमारे जेन में एज एन अकाउंटेंट हम डबल एंट्री पास करते हैं और हम ये देखते हैं कि द अकाउंट इज बीइंग डेबिटेड विद द ट्रांजैक्शन और क्रेडिटेड, वहां पे हम ये फैसला करते हैं कि नोट्स में हम इसको ऐड करेंगे या, याद रहेगी बात। मतलब हमने ये याद नहीं रखना कि जहाँ फलां चीज़ ऐड होगी फलां चीज़ माइनस होगी, हमने ये देखना है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जब आएगी तो हम अपने नॉलेज के हिसाब से उसकी डबल एंट्री पास करेंगे, और फिर डबल एंट्री पास करके हम ये देखेंगे कि ये अकाउंट जो गिवन अकाउंट है इसमें ये अकाउंट डेबिट हो रहा है या क्रेडिट, और फिर हम देखेंगे इस अकाउंट की नेचर क्या है। अगर ये अकाउंट डेबिट हो रहा है और इसकी नेचर भी डेबिट है तो फिर ये ट्रांजैक्शन इसमें ऐड हो, और अगर ऑपोजिट है तो फिर ये माइनस हो, याद रहेगा ये प्रिंसिपल आपने याद रखा, ठीक हो गया। इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज नोट्स टू द अकाउंट एंड दीज आर कॉल्ड एज एक्सट्रैक्ट। अब मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने सारा सेशन जो वर्किंग्स करानी है वो मैंने स्टेटमेंट फॉर्म में करानी, क्योंकि पेपर में जो आपने वर्किंग्स करनी है वो टी अकाउंट में नहीं करनी, आपने स्टेटमेंट फॉर्म में करनी, ठीक। एक्सेप्शनली हम क्या कर रहे होंगे, लेजर बना रहे होंगे, सही हो गया। हमने आदत डालनी है अपने आप को इन वर्किंग्स, और बड़ी आसान है ये टी अकाउंट से, मेरा ख्याल ये है दे आर फार इजियर देन द टी अकाउंट एंड वेरी क्विक, वो जल्दी भी हो जाती और आपका पेपर की आंसर शीट भी गंदी नहीं होती। वो जो आप टी बना बना के गंदा कर देते ना उसको, इधर भी टी उधर भी टी, पता लग गया जरा पूरा पेज में अकाउंट ही अकाउंट बना दी तो वर्किंग्स करो, टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होता है उसमें, चूँकि आप एक चीज़ को दो जगहों पे लिख रहे होते हैं, क्योंकि मतलब डबल टाइम ले रहे होते हैं आप, ठीक। और यहाँ पर आप स्ट्रेट फास्ट पेस पे जा रहे होते हैं, तो ये स्विच करना है हमने
और हम इंशाल्लाह इसको कर लेंगे जैसे जैसे हम सवाल करते जाएंगे, हम ये ही वर्किंग हमारी हैबिट ये बन जाएगी। क्या हुआ, कंफ्यूजन क्या हो पाया? ये फॉर्मेट से क्या मुराद होता है? कहाँ पे चेंज किया मैंने? हैं एसएफपी का कौन सा अकाउंट होता है? ये जो भी आपने फॉर्म है प्रॉपर्टी प्लान एंड सो कंफ्यूज्ड हैं। एसओएफपी जो है हमने उसका लेआउट बनाया कि जी कैसे बैलेंस शीट बनती है। बैलेंस शीट आप पहले भी ऐसे ही बनाते थे। अपर पोर्शन एसेट्स का वर्टिकल फॉर्मेट है ना बैलेंस शीट का। एसओएफपी कैसे हम बनाते हैं वर्टिकल फॉर्मेट, तो उसके अपर पोर्शन जो है दैट इज ऑफ एसेट्स एंड लोअर पोर्शन जो है वो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज का, याद है ना आप सबको। तो हमने क्या किया, हमने कहा जी ये जो ट्रांजैक्शन है ये एसओएफपी में कहाँ पे रिपोर्ट होने जानी है, एसओएफपी के नॉन करंट एसेट के सेक्शन में इसको रिपोर्ट कर। बस हमने बाकी एसओएफपी बनाई नहीं, क्यों? क्योंकि रिक्वायरमेंट के अंदर वर्ड था प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब एक्सट्रैक्ट वर्ड जो है वो इस चीज़ के बारे में है कि भाई पूरी बैलेंस शीट नहीं बनानी है आपने, ये जो हम आपको इशू बता रहे हैं इससे रिलेटेड जो एसओएफपी का पोर्शन है ना बस हमें वो दिखा दें, बाकी एसओएफपी हम आपसे नहीं पूछ रहे। पहले तो ये बात याद है, अक्सर स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं कि पूरी बैलेंस शीट ही नहीं बन रही, इसने तो क्या एसओएफपी बनाए तो इसमें तो चीज़ें ही पूरी नहीं हैं, तो अपने आप को कन्फ्यूज करना ना जितना मर्जी कर लो। सो इट्स सिंपली एन एक्सट्रैक्ट, क्या आपने एसओएफपी का सिर्फ वो रेलेवेंट पोर्शन हमें बताना है जिससे ये ट्रांजैक्शन रिलेट कर। तो अभी हम चूंकि पीपीई पढ़ रहे हैं तो पीपीई का सेक्शन, तो आई 16 ने हमें ये बताया कि हमें कि पीपीई जो एसओएफपी के फेस पे आपने शो करनी है तो आपने ये याद रखना है कि इट शुड बी अ सिंगल लाइन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। आपने ऐसे नहीं करना है कि आप ये बताना शुरू कर दें हमें कि जनाब फेस पे अगर मैं यहाँ पे लिखना शुरू कर दूँ कि जी लैंड इतनी है, बिल्डिंग इतनी है, प्लांट एंड इक्विपमेंट इतना है, व्हीकल्स इतने हैं, कंप्यूटर्स इतने हैं, सो इट विल बी 5 लाइंस। तो ये तो रश पड़ गया, ऐसे ही है ना बैलेंस शीट के ऊपर रश पड़ गया। कहते ये रश नहीं डालना, आप फेस पे नहीं डालना, ठीक हो गया। आपने इन सब की जगह एक लाइन देनी है हमें, और उस एक लाइन का नाम क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, सिंगल लाइन डिस्प्ले, इट्स अ सिंपली सिंगल लाइन, ठीक। अब हमने ये सिंगल यहां पे हमने फुल जितना प्रिसाइज कर सकते थे हम इसको कंडेंस कर सकते थे हमने इसको कर दिया, सही हो गया। अब वो कहते जनाब ये जो फिगर आपने बताई है इसको खोलना कहां पे है ना, डिटेल कहां पे देनी है इसकी, तो हमने कहा इट शुड बी इन द नोट्स टू द अकाउंट। अब नोट्स टू द अकाउंट में हम जाके बताएंगे कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूडेड, इसमें लैंड कितनी है, इसमें बिल्डिंग कितनी है, इसमें प्लांट कितना है, इसमें इक्विपमेंट कितना है, तो हर एक का अलग अलग कॉलम हमने बना लिया। अच्छा, अब उस कॉलम में हमने बताना क्या, कॉलम में हमने ये बताना है कि आप हमें ये बताएं कि जिस अकाउंटिंग ईयर की आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं हमें बताएं ये अकाउंटिंग ईयर जब शुरू हुआ तो आपके पास बिल्डिंग की वैल्यू क्या थी और ड्यूरिंग द ईयर इसमें क्या क्या चेंजेस आए, आपने कितनी फर्दर बिल्डिंग परचेज की, कितनी आपने बेच दी, वो हमें बताएं, और साल के एंड पे आपके पास क्या वैल्यू थी। इट्स अ मूवमेंट इन कॉस्ट, इसको क्या कहते हैं, इट्स अ मूवमेंट इन, और फिर हाँ जी नहीं नहीं क्या हो गया, नहीं लिखे, पहले लिखे हुए थे ना, अभी तो एक एसेट को हम ट्रीट कर रहे हैं ना, तो पहले मैंने यहाँ पे क्या बनाए हुए थे कॉलम, लैंड बिल्डिंग इक्विपमेंट, पहले यही नहीं था, थोड़ा सा वक्त
टाइम मशीन में बैठ के थोड़ा पीछे जाएं वर्चुअली, सो यू विल सी देयर देयर वाज रिटन एज लैंड बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट। हाँ तो करेंगे ना तीनों। अभी क्वेश्चन को, क्वेश्चन को जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे जाते जाएंगे तो क्वेश्चन की सेहत बढ़ती जाएगी और आपके सलूशन की सेहत भी बढ़ती जाएगी, है आपकी सेहत डाउन होती जाएगी, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि ये कि मैं आखिर पे जाके अप्रोच चेंज करूँ तो आपको बहुत तकलीफ होगी। आगे सर पूरा स्टैंडर्ड आपने टी अकाउंटों में पढ़ाया, आखिर पे आके आप हमें नई स्टोरी दे रहे हो। दो ही अप्रोचेज हो सकती है ना, कि मैं एंड पे जाके कहूँ अब यहाँ पे एक टर्न है, तो आपने कहा सर ये तो बड़ी ज्यादती की है आपने, आपने सारा स्टैंडर्ड टी अकाउंट में पढ़ाया, अब एंड पे आके आप हमें ये कह रहे हैं कि सवाल ऐसे आना। तो मैं ये चीज का जब आप फाइनल लेवल पे जब इस चैप्टर का एग्जाम क्वेश्चन कर रहे हो तो आप इस अप्रोच के अंदर बड़े राशिक हो गए हो, मतलब आप आपको जेन में बैठ गई हो ये अप्रोच, तो यही है सवाल। आप सोचे ही इस अप्रोच में फिर वो हैंडल होगा सवाल, आपके अनकॉन्शियस में आपको पता होगा सोल्यूशन चलना ही है ऐसे। जब कभी टी अकाउंट आ जाए तो आपको सोचना पड़े हो टी अकाउंट कैसे बनाना, मतलब ये मैं चाह रहा हूँ। वो टी अकाउंट आप नेचुरली बना लेंगे, लेकिन ये है कि जैसे हम कहते हैं ना कि एक बच्चे को अगर आप शुरू से एक इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर दें तो उसको थॉट प्रोसेसिंग इंग्लिश में होती है, फिर वो थॉट प्रोसेसिंग इंग्लिश में होती है तो जब कभी उसको उर्दू लिखनी पड़ जाए तो वो सोचता इंग्लिश में ही है, फिर वो सोचता इसका तर्जमा क्या। इन कॉन्ट्रास्ट मेरे और आपके साथ, शायद आप में भी कुछ लोग वैसे ही होंगे, हम लोग पंजाबी में सोचते फिर उसकी उर्दू करते फिर उसकी ट्रांसलेट, तीन स्टेप में जाके हम इंग्लिश में पहुंचते, ऐसे ही है ना। चूंकि हमने बचपन में जिन स्कूलों से पढ़ा वहां पर टीचर बोलते भी पंजाबी थे और हम सोचते भी पंजाबी में, हमें ख्याल जो आता है वो पंजाबी में आता, फिर हम उसे कहते हैं अच्छा उर्दू में कैसे लिखना है इसको, फिर हम उर्दू की वोकैबुलरी ढूंढते हैं अपनी, फिर जब उर्दू आ जाती है फिर हम उसे इंग्लिश में लिख के जाते। तो ये जो दो तीन स्टेप्स होते हैं ना, ये टाइम इसको इसमें काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो अगर आप टी अकाउंट इंट्रो में, नेचुरली हम टी अकाउंट बनाना सीखते हैं तो हम टी अकाउंट जब भी आप ट्रांजेक्शन आती होगी आपके जहन में डबल एंट्री आती, आप सोचते हैं जनाब दिस अकाउंट इज डेबिट दिस अकाउंट, अब आपकी अनकॉन्शियस में आपकी नेचर बन चुकी है कि जनाब टी अकाउंट खोलना है, आपने फौरन आप टी अकाउंट खोल, ठीक। अब हम कह रहे हैं कि जनाब वो ठीक है आप बिल्कुल सही है दैट इज, लेकिन अब हम उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं इनटू द नोट्स टू द वर्किंग्स के, ठीक। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, पहली बात, सिर्फ प्रेजेंटेशन डिफरेंट, सिर्फ हम क्या चेंज कर रहे हैं, वी आर जस्ट चेंजिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ द टी अकाउंट। कॉलमर फॉर्म में हमने बना दिया, इसको हम कॉलम्स बना दिए हमने, बजाय इसके कि हम दो सेपरेट साइड रखें, हमने उन दो सेपरेट साइड को क्या कर दिया, आपस में मिला दी, मर्ज कर दी, ठीक हो गया। ले जनाब ये था हमारे पास एक, ये आपने याद रखना है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो आगे जब हम चलते हैं हमारे पास, हमने कहा जी जो डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट की हम लोगों ने IAS 16 के अंदर, तो हमने कहा ये डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन जब हमने करी तो हमने कहा जनाब इट्स सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ द डेप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स। अब हमने जनाब इसको जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की तो इसमें हमने यूजफुल लाइफ, क्या था जनाब यूजफुल लाइफ, तो हमने कहा जी यूजफुल लाइफ ये है कि मैनेजमेंट का बिजनेस के जो बिजनेस जो है उसकी जो मैनेजमेंट है उनका ये एस्टिमेट है कि ये आने वाले कितने वक्त में हमें, कितने वक्त तक चलता रहेगा या कितने वक्त तक हमें बेनिफिट देता रहेगा, यूजफुल लाइफ। फिर रेजिडुअल वैल्यू ये क्या जनाब, तो हमने कहा जी ये एस्टिमेट है मैनेजमेंट का कि जब एसेट की यूजफुल लाइफ ख़त्म होगी तो ये हम इसको एज ए स्क्रैप कितने का बेच देंगे, यानी कि ये कॉस्ट का वो हिस्सा है जो हम यूज़ किए बगैर बल्कि बेच के रिकवर कर लेंगे, ऐसे ही है ना। क्या आपने एसेट पे 1,00,000 रुपया लगा दिया, अब आप क्या कर रहे हैं
उसकी वैल्यू 1 लाख रुपए कैसे रिकवर कर रहे हैं, उसको इस्तेमाल कर करके उससे यूनिट्स बना बना के। लेकिन कुछ हिस्सा इस 1 लाख का वो है जो हम यूज करके नहीं रिकवर करेंगे, बल्कि हम इसको बेच के रिकवर कर देंगे, दैट इज कॉल्ड एज द, लेकिन ये भी कब होगी, एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ। तो ये भी एक दूसरी चीज आ गई। फिर हमारे पास डेप्रिसिएशन मेथड, ये किस पे बेस कर रहा था, तो हमने कहा जी ये हमारा ख्याल ये है कि एसेट का जो पैटर्न ऑफ बेनिफिट है वो ये है कि हर साल एक जैसे बेनिफिट, या शुरू में ज्यादा बाद में कम, ऐसे ही था, उसी पे बेस किया हमने। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये कहता है कि यार ये जो तीनों चीजें हैं ना, इनको हम अकाउंटिंग में कहते हैं दे आर कॉल्ड एज अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। ये सारी एस्टिमेशंस हैं कि इतने साल एसेट चल जाएगा, जब खत्म होगी यूजफुल लाइफ तो इतने का बिक जाएगा, या इसका पैटर्न ऑफ बेनिफिट ये। सो इट्स ऑल एस्टिमेशंस, मैनेजमेंट एस्टिमेट करती है, दे आर कॉल्ड एज अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, इनको हम कहते हैं ये एस्टिमेट्स। ठीक, अब एस्टिमेशंस आपको पता ना किस पे बेस करती, तो हम कहते हैं एस्टिमेशन बेस करती है अवेलेबल इंफॉर्मेशन पे। आप एस्टिमेट कैसे लगाते हैं, स्टैट में आपने इन्फर करना सीखा, तो आप कैसे इन्फर करते थे, आपके पास एक हिस्टोरिकल डाटा होता था, आप उसका एनालिसिस करते थे, आप कहते यही पैटर्न रहा तो आने वाले वक्त में ये होगा। सो इफ यू आर एस्टिमेटिंग समथिंग, इट मीन्स यू हैव टू हैव इंफॉर्मेशन, हिस्टोरिकल रिलायबल इंफॉर्मेशन जो एक्चुअली हुआ हो। ऐसे ही है, अब मैं आपसे ये कहूँ कि यार नवंबर के एंड पे ठंड आ जाएगी, तो हम कहेंगे सर बिल्कुल ऑलमोस्ट ठंड आ जाएगी नवंबर के शुरू में तो आ जाएगी। मैं आपको आपको कैसे पता है, हाउ यू नो इट, सर साल हर साल से ऐसे ही होता आ रहा है, अभी कुछ दिनों में स्मोग आ जाएगी, तो आपको कैसे पता, और आ भी जाए अभी यार आपको सारा पता है। सो सारा पता नहीं है, ये इट्स ए पास्ट डाटा, वी हैव द पास्ट डाटा, और पास्ट डाटा की बेस पे हम क्या कर रहे होते हैं, इन्फर कर रहे होते हैं कि वही टाइम आ रहा है, वही वेदर बनेगा जो पहले बनता था, सो इट इज़ अ रेपिटेशन। ठीक, अगर हम ये कहें कि कंपनी जो है वो डेली उसकी मशीन्स जो है वो 16 घंटे चलती हैं, और वो डेली जो है वो 1500 यूनिट्स प्रोड्यूस करती है ऑलमोस्ट प्लस माइनस 100-200, तो ये कल कितना होगा, तो कल भी ऑलमोस्ट यही होगा, अदर थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट, तो यही होने वाला है। ऐसे ही है, जैसे आपने बचपन में वो पढ़ा वो साइंसेज में, कि अगर एक चीज़ मूवमेंट में है तो वो हरकत में रहेगी जब तक कि बिरूनी कुवतें उस पर अमल ना करते, सो इट्स इनर्शिया, सो इट्स अ रिलेशनशिप ऑफ द थिंग्स। आप रिग्रेशन पढ़ा आपने स्टैट के अंदर, याद है ना आपको रिग्रेशन, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, क्या करते हैं आप उसमें, आप दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड करते हैं और फिर उसकी बेस पे फोरकास्ट कर रहे होते, एंड दैट इज एन एस्टिमेशन, हो जाती है ना एस्टिमेशन। बट इन एनी केस फॉर अ रिलायबल एस्टिमेशन व्हाट वी नीड इंफॉर्मेशन। अगर हमारे पास हिस्टोरिकल डाटा नहीं है, अगर हम उसको वेरिएबल्स को आपस में कोई रिलेशनशिप कैनलाइज नहीं कर सकते, तो देन वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू इन्फर टू एस्टिमेट। हाँ हम कोई तुक्का या गैस जरूर कर सकते, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए आप ये कैसे कह रहे हो, तो कहो नहीं यार कोई बेसिस तो नहीं है, इट्स जस्ट माय ओपिनियन। स्टैट में हम जब कहते हैं ना फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग इज ऑलवेज बेस्ड ऑन अ हिस्टोरिकल पास्ट डेटा, याद है ना आपको। तो यहां पर हम ये कहते हैं कि यूजफुल लाइफ जो मैनेजमेंट एस्टिमेट करती है, तो मैनेजमेंट के पास डाटा है जिसकी बेस पर वो ये कह रही है कि इसकी ये इतने साल चलेगा, हम पहले भी इस्तेमाल करते आए हैं, और अगर आप इसको इस रेट पे यूज करेंगे तो ये इतने साल चल जाएगा। रेजिडुअल वैल्यूज ये हैं, ये कैसे पता है जी आपको, जी इस तरह के कई एसेट्स हम पास्ट में यूज करते रहे, वो उनकी यूजफुल लाइफ खत्म हुई, हमने उनको बेचा, बल्कि मार्केट में अभी आप जाके अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने साल पुराना एसेट जो है वो कितने का बिका। सो दीज आर जस्ट एन एस्टिमेशंस, ठीक हो गया, एस्टिमेशंस आर बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन, अवेलेबल इंफॉर्मेशन। जी सर, तो यूजफुल लाइफ
उसने पहली दफा लिया है ना, वो जिससे लिया है ना वो एक्सपर्ट है उन चीजों का, ही कैन टेल यू, ही हैज द रिलायबल टाइम. जैसे आप कोई लिटिगेशन में फंस जाए, मैं आप, तो हम पहली दफा ही फंसे होंगे, लेकिन वो जो लॉयर है ना उसने 7100 केसेस वैसे देखे हैं. आपको तो कोई गाल नहीं पाइन पर. जैसे डॉक्टर हम हॉस्पिटल जाते हैं, हमारे लिए यू नो बड़ा अभी रिसेंट वाक है, तो हमारे लिए होता है, कभी कभी होता है हमारे साथ. अब उधर जाते हैं तो डॉक्टर बड़ा नॉर्मल होता है, इसको इधर ले जाओ कोई टेंशन नहीं है, हमें टेंशन लगी होती. अब उसको क्यों कोई टेंशन नहीं, इट्स नॉर्मल, उसे पता है अब ये करूँगा ये ठीक हो जाएगा, मुझे पता ही क्या. उसके पास प्रीवियस डेटा है, उसको रिलेशनशिप और वेरिएबल्स पता है, उसको पता है अभी मैंने इसको 2 गोलियां लगानी, 1 ड्रिप लगानी, इसने नॉर्मल होना शुरू हो गया. या उसको ये पता चलता है फारग है, कोई चक्कर नहीं, यानी कि जोर लगाने का भी कोई फायदा नहीं, तो वो इन एनी केस नॉर्मल. हम लोगों के लिए चूंकि वो एक्सेप्शंस होती हैं, कभी कभी होता है, तो हमारे लिए वो एक अजीब सी सिचुएशन बन जाती है. इसी तरह मैनेजमेंट अगर कोई ऐसी चीज़ खरीद जो पहले उसने यूज नहीं की, तो उसके पास तो डेटा नहीं है, बट दे कैन कॉन्टैक्ट विद दैट एक्सपर्ट ऑफ दोज थिंग्स, तो आप उनसे डेटा ले, उनके पास है डेटा. सो ये कहना है कि जनाब हम एस्टिमेशन नहीं कर सकते कि जो क्योंकि हमारे पास पहली दफ़ा है, तो आप यू कैन कॉन्टैक्ट विद द एक्सपर्ट ऑफ दैट थिंग. जिससे आप खरीद रहे हैं वही आपको बता देगा, जिसने वो चीज़ आपको खरीदी आपने जिससे. सो एस्टिमेशन आर बेस्ड ऑन अवेलेबल इंफॉर्मेशन. अब यहाँ पर ये पूरी बेस बनाने के बाद अब है रूल IS-16 का. IS-16 ये कहता है, अब गौर से ये बैकग्राउंड समझ आ गई, कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया, अब हम इसको अप्लाई करें. अब स्टैंडर्ड ये कहता है कि जनाब 2007 आपने एसेट की डेप्रिसिएशन ली 1500, आपका एस्टिमेशन ये है कि ये 10 साल चलेगा, और जब 10 साल पूरे हो जाएंगे तो ये हमें बिक जाएगा 5000 रुपये का, और ये स्ट्रेट लाइन बेनिफिट, ये आपकी एस्टिमेशन ठीक हो गया. अब 2007 में आपने कर लिया, 2008 आ गया, 2008 का डेप्रिसिएशन कब लेते हैं हम, ठीक हो गया. अब स्टैंडर्ड ये कहता है ये 2008 का आखिर आ गया, 12 माह और गुजर गए 12 माह, 2007 के एंड से 2008 के एंड के दरमियान कितना टाइम पीरियड है, 12 माह. कहते जी 12 माह और गुजर गए, अब हो सकता है कि इन 12 माह के अंदर आपके पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आ गई हो जो उस वक्त नहीं थी, कब, 2007 के, हो सकता है ना ऐसे. आपका ख्याल था कि हम एसेट को सिर्फ 12 घंटे की शिफ्ट में चलाएंगे, हमारी ऑर्डर बुक जो थी वो ये बता रही थी कि अगर ये 12-12 घंटा चलता रहा तो ठीक, ऐसे ही है ना. अब 2008 के एंड पे माशाल्लाह बड़ा चल गया कारोबार, आपको दो दो शिफ्ट एसेट चलाना पड़ा. अब ये बात पहले तो हमें नहीं पता था, ठीक. अब स्टैंडर्ड ये कहते हैं ये जो 12 माह गुजरे हैं, आप इसमें देखें कि इज देयर एनी न्यू इंफॉर्मेशन, कोई नई इंफॉर्मेशन जो आपके पास उस वक्त अवेलेबल नहीं थी जब आप एस्टिमेट कर रहे थे लास्ट ईयर, और देखें कि क्या ये न्यू इन्फॉर्मेशन जो है, इस न्यू इन्फॉर्मेशन के रेफरेंस से क्या आपको लगता है कि ये जो आपकी एस्टिमेशन है ये अब रेलेवेंट नहीं रही, हो सकता है इनको चेंज करने की जरूरत पड़ेगी. जैसे मैं अभी कह रहा हूँ कि पहले एक शिफ्ट चल रहा था, अब हम देख रहे हैं 2 शिफ्टें चल रहा है, और हम फोर्स ही कर रहे हैं कि आने वाले 2-3 साल अगर यही ट्रेंड रहा तो ये 2-2 शिफ्ट ही चलेगा. इसका मतलब है इसकी कंजम्पशन रेट पहले से बढ़ गई है, कंजम्पशन रेट जो है वो पहले से बढ़ गया, तो इसका मतलब अब ये 10 साल तो नहीं चलेगा. हमारी एस्टिमेशन जो है वो अब ये कहना शुरू हो गई, अवेलेबल इंफॉर्मेशन, कि भाई ये 10 साल नहीं चलना. आपका एस्टिमेट जो है ना यूजफुल लाइफ का, इसको रिवीजन की जरूरत, इट शुड बी रिवाइज्ड. क्यों रिवाइज करें, इन द लाइट ऑफ द न्यू इंफॉर्मेशन which was not available at that time when we were originally estimating. ठीक, इसको स्टैंडर्ड ये क्या कहता है, स्टैंडर्ड ये कहता है ये जो नई इंफॉर्मेशन आई है ना, इसके लिए लव्ज यूज करता है अपडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. इट मीन्स
कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपके पास पहले अवेलेबल नहीं थी अब है, एंड विद रेफरेंस ऑफ द अपडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, कि नई इंफॉर्मेशन जो आई उसके रेफरेंस से हमें ये लगता है कि हमारे एस्टिमेट्स को क्या किस चीज की जरूरत है, दैट दे शुड बी रिवाइज्ड, इसको चेंज करने की जरूरत। तो आई 16 कहता है जनाब इट्स मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर ईयर एंड पे देखे, हर ईयर एंड पे मतलब 2008 के भी 2009 के भी जितने साल, एट एवरी ईयर एंड मैनेजमेंट को क्या करना है, क्या चीज देखनी है कि क्या जो नई इंफॉर्मेशन फर्दर 12 माह गुजरने के बाद हमारे पास आई है, क्या उसके रेफरेंस से हमारे एस्टिमेट्स को चेंज करने की जरूरत है या के नहीं है। अगर तो है तो फिर आप एस्टिमेट चेंज करेंगे, इट विल बी कॉल्ड एज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, कॉल्ड एज कि आप एस्टिमेट को चेंज करेंगे। हम एक स्टैंडर्ड पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में नया है, IS-8, आपको मैंने बताया भी था कि ये FR2 से उठा के हम इसको FR1 में ले आए। उस स्टैंडर्ड का नाम है अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स। अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी बात ये IS-16 के अंदर है, लेकिन ये IS-8 के रेफरेंस है, समझ आ रही मेरी बात। IS-16 सिर्फ ये लाइन बोलता है कि मैनेजमेंट को हर ईयर एंड पे देखना चाहिए कि एस्टिमेट्स को रिवाइज करने की जरूरत है या के नहीं है। कैसे करने हैं ये हमें कौन बताता है, IS-8 कि एस्टिमेट जब रिवाइज होंगे तो उसका इफेक्ट क्या आएगा, उसको चेंज करना कैसे। ठीक, तो चूंकि हम IS-16 पढ़ रहे हैं तो यहीं पर उसको हम मर्ज कर लेते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि एस्टिमेट को कब जरूरत होती है चेंज होने की, जब नई इंफॉर्मेशन ऐसी आ जाए जिसकी बुनियाद पे हमें ये लगे कि जनाब आपको एस्टिमेट बदलने की जरूरत। तो इसी एग्जांपल को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं और एस्टिमेशन जरा चेंज करते हैं। ठीक हो गया, कितने का एसेट है आपके पास? हमारे पास एसेट है जनाब 20,000 का, यकम जनवरी 2007 को आपने खरीदा, रेजिडुअल वैल्यू है इसकी 5,000, वही डाटा हमारे पास। आगे लिखे जनाब एट 31st December 2009, एट 31st December 2009 Useful life revised. At 31st December 2009, the useful life of the asset revised. Now the remaining life is 4 years. सही हो गया। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन चार्ज, कैलकुलेट रिक्वायरमेंट लिख लेते हैं, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर एंडिंग 2008-2009 एंड फिर वो आगे सेम ही है, बस दो साल 2008 और 2009 एंड 2010, तेरह तीन साल का 2008, 2009, 2010, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इज 4 years, 4 साल, तब से 2009 से मिला के, सही हो गया जी। आप देख रहे तू पढ़ी पहले रिपोर्टिंग है रेट्रोस्पेक्टिव, क्या बताया होगा मैंने,
जी सर। हाँ जी, हाँ जी बेटा, इसीलिए मैं हेड हुड नहीं कराता होता ना, आप बाउंड हो जाते हैं। इंसान इंसान जो है ना, उसके अंदर फंस जाता है। आपको लगता है भाई यही दुनिया है, ठीक है ना, बस वो हेलमेट लाना चाहिए। वो हेलमेट उतारेंगे तो ग्रूमिंग होगी, वैसे फंसे रहेंगे हम। ठीक, मैं ये नहीं कह रहा कि दैट इज अ रॉन्ग अप्रोच, वो याद करने के लिए बड़ी अच्छी अप्रोच। आप बाउंड कर देते हैं, आप कहते हैं यही मैदान है बस, लेकिन मैदान तो इसके बाहर भी बड़ा हो, ग्राउंड बिल्कुल वैसे ही। अगर आप उसे कहें जी वो जो हेड है वो बेसिकली यहाँ से ड्राइव होते हैं, वो मैंने मिटा दिया यहाँ पे, पांच एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेट, वो वहीं से ड्राइव होते हैं। अगर आप उन हेड को रिवर्स करके ऊपर और पीछे आओगे तो ये पांच चीजें हैं बस। अब आप उनको फैलाते जाओ आगे, पूरी एक क्लस्टर बना दोगे तो वो हैं पांच ही। देखे ना, यहां तो वो कैपिटल है, इक्विटी है। अब आप उसमें पढ़ते हो ड्राइंग्स, ड्राइंग इज अ मूवमेंट इन कैपिटल, यू नो इट्स वन ऑफ द मूवमेंट ऑफ इक्विटी। ओनर जो कैपिटल उसने इंट्रोड्यूस कराया होता है उसी में से ड्रॉ कर रहा होता है, या जो बिजनेस उसको कमा के दिया होता है। सो इट्स अ रिवर्स ऑफ कैपिटल इंट्रोडक्शन, ड्राइंग्स इज अ मूवमेंट इन कैपिटल। इसी तरह जितने मर्जी आप एक्सपेंस के सब हेड बना लें, वो एक ही हेड में है वो एक्सपेंस। इसी तरह इनकम्स के जितने भी आप हेड बना ले आगे, वो है तो एक ही, उसकी नेचर वही है जो मेन हेड की है। उसका जो मर्जी आप नाम रखते जाएं, लेकिन आप उसको कहां से ड्रॉ कर रहे हैं, आप उसका मेन नेचर कहां से है, वो इनकम्स। जैसे हम कहते हैं शेख, अब जितने मर्जी शेख वे लो, मेन शेख ही है ना, ऐसे है ना, वो जितनी मर्जी उसकी सब, जैसे जाट को देख ले आप, पता नहीं कितनी हजार सब कास्ट हैं, लेकिन अगर हम उनको रिवर्स करें तो ऐ तो जाट ही ना, समझ आ रही। इसी तरह बटों को देख ले आप, वंश बने हैं लेकिन हैं पीछे बट, वो पता लग जाता है देख के उनको, उनको पता लग जाता है बाटे गए। अब वो चाहे मीर हो, चाहे वो लोन हो, चाहे वो जो भी हो, कश्मीरी बट जनाब है, जो तो खान तो बहना है तो यू नो पता लग जाएगा ये बाटे का। ठीक, तो इसी तरह एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पांच ही हैं। अब उधर से जितनी मर्जी शाखें आप निकालते रहें, जो भी शाख आप निकालेंगे, इट हैज टू बी वन ऑफ देम, बस दैट्स इट। सही हो गया। वो रेट्रोस्पेक्टिव है, गलत ना बोल रहे तुम, लेकिन इसमें ऐसे नहीं करते, उसको कहते हैं प्रोस्पेक्टिव। ले जाओ, अब आप देखें 2008 में डेप्रिसिएशन अगर हम कैलकुलेट करें, तो आपने उसी तरह की कैलकुलेट कैसे की जी, कॉस्ट माइनस वैल्यू डिवाइडेड बाय 10। ठीक हो गया, यही थी जी 2008 में, 2007 में भी ऐसे निकाला, और वो आती है हमारे पास 15। अभी हम कैलकुलेट कर रहे थे, दैट इज 2008, 2009 में भी, क्योंकि इसमें हमने एस्टिमेट चेंज नहीं किया। अब 2009 में दिस इज द ईयर जिसमें क्या हुआ है कि मैनेजमेंट बैठी है 2009 के एंड पे, उन्होंने देखा यार ये जो यूजफुल लाइफ का एस्टिमेट है ना, इट रिक्वायर्स अ चेंज। आप चेंज करने के बाद वो आपको ये बता रहा है, एक तरीका ये है जो मैंने अभी आपको लिखवाया, रिमेनिंग लाइफ इज 4 years, रिमेनिंग लाइफ इज 4 years। ठीक, अब आपको यहाँ पे 2009 में डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करनी है, तो ध्यान से बस, आपको चाहिए नेट बुक वैल्यू ऑफ द एसेट एट द स्टार्ट ऑफ द 2009 के शुरू में एसेट की नेट बुक वैल्यू कितनी, तो कितनी है, तो हमने कहा जी इसकी नेट बुक वैल्यू है 2009 के शुरू में 20,000 इसकी कॉस्ट थी, और 2 सालों की डेप्रिसिएशन है 2007 और 2008, कितनी बन गई टोटल 3,000। तो हमारे पास है इसकी नेट बुक वैल्यू वैसे 17,000 ऐसे, तो हम कह देंगे 20,000 माइनस 3,000,
So that is the net book value at the start of 2009. ऐसे ही है? अब हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे. कैसे जी? नेट बुक वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ 2009 माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ एंड दैट इज 4. रिमेनिंग यूजफुल लाइफ से आप इसको डिवाइड कर देंगे, वो है 4. तो कितना आ गया जनाब? है जी, इन 2009 द डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर इज 3000. सही हो गया. अब अगले साल में कितनी आएगी? तो नेचुरली हम कहते हैं ये 3000. इसका मतलब है, अब जरा ध्यान से आपने सुनना है, कि जब अकाउंटिंग एस्टिमेट में चेंज आता है, द चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट विल अफेक्ट द करंट ईयर. करंट ईयर मीन जिसमें चेंज आया. The change in accounting estimate will affect the current year and following years. यानि कि उस साल को अफेक्ट करेगा और आने वाले सालों को अफेक्ट करेगा. इसको हम कहते हैं, स्टैंडर्ड वर्ड यूज करता है, प्रोस्पेक्टिव. चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट विल बी इनकॉर्पोरेटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोस्पेक्टिवली. ये लाइन अपने पास लिख लें और इसको 2-3 दफा पढ़ें ताकि आपके जिम्मे बैठ जाए. द चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट विल बी इनकॉर्पोरेटेड. द चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट विल बी इनकॉर्पोरेटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट will be incorporated. Incorporate करना mean include करना in the financial statement prospectively. In the financial statement ये prospective से हमने बनाया लफ्ज prospectively. और prospective से मुराद क्या है? That the change in accounting estimate will affect the current year financial statement and the following year. इसका मतलब इससे पीछे जो हो चुका है उसको चेंज करने की जरूरत नहीं. There is no need. सही हो गया जनाब? एस्टिमेट जब भी चेंज आएगा, एस्टिमेट में जब भी चेंज आएगा वो कैसे इनकॉर्पोरेट होगा? प्रोस्पेक्टिवली. ठीक हो गया. अब देखें, आपने यहाँ पे अभी सवाल लिखा, इसमें डायरेक्टली उसने आपको बताया कि रिमेनिंग लाइफ कितनी है. तो हमने कहा जी रिमेनिंग लाइफ है 4 years. अब यही बात पेपर में ऐसे भी आ सकती है. मैनेजमेंट लिखें, मैनेजमेंट एस्टिमेट्स, मैनेज एस्टिमेट्स, मैनेजमेंट एस्टिमेट्स यानी कि कंपनी की मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एस्टिमेट दैट द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट इज नाउ 6 years. यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट 6 years. अब ओरिजिनल एस्टिमेट कितना था? 10 years. अब क्या हो रहा है एस्टिमेट? 6 years. तो क्या अब हम इसको यहां पे 6 से डिवाइड करेंगे? इट्स ऑलवेज रिमेनिंग यूजफुल लाइफ. उसने अब बताया कि आपका एस्टिमेट यह है कि इसकी यूजफुल लाइफ है 6 साल. तो अब मैं जब 2009 की डेप्रिसिएशन लूंगा तो यहां पर यूजफुल लाइफ 6 लूंगा? तो हम कहते नहीं, इट विल बी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 6 - 2. हमारी एग्जाम्पल में 2 क्या है? 2007 गुजर चुका है, 2008 गुजर चुका है. इस मतलब 6 में से 2 साल ऑलरेडी गुजर चुके हैं,
रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है? 4 years. सो अगेन वी विल डिवाइड इट विद द 4. एग्जामिनर दो तरह से आपको एक ही बात बता सकता है. एक वो स्ट्रेटली आपको बता दे दैट द रिमेनिंग लाइफ इज दिस. एक तरीका ही है जैसे इसमें हमने पहले किया. दूसरा तरीका एग्जामिनर कैसे बताएगा? वो कहेगा जनाब द एस्टिमेट ऑफ द यूजफुल लाइफ हैज बीन रिवाइज्ड, नाउ इट इज 6 years. अब वो रिमेनिंग नहीं बता रहे. इसका मतलब अब आपको देखना ये पड़ेगा कि ये जो अब एस्टिमेशन इसने बताई है यूजफुल लाइफ की, वो बताई है 6, तो मुझे इस साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए? रिमेनिंग यूजफुल लाइफ. तो मैं 6 में से वो साल निकाल दूंगा जो पहले से गुजर चुके हैं, एंड देन आई विल बी एट रिमेनिंग यूजफुल लाइफ. सो द फॉर्मूला इज नाउ क्या बन गया? इट इज ऑलवेज विद रिमेनिंग यूजफुल लाइफ. ये याद रखना आपने, एंड दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग. दिस इज द एग्जाम ट्विस्ट. बड़े आराम से एग्जामिनर जो है वो इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक करवा लेते. चेंज कब आया? तो 2009 में चेंज आया, और हम कह रहे हैं कि चेंज कैसे इनकॉर्पोरेट करना है? प्रोस्पेक्टिवली हमने इनकॉर्पोरेट करना. इसका मतलब है जिस साल में चेंज आया उस साल का एक्सपेंस डेप्रिसिएशन चेंज होगा और आने वाले सालों का. इससे पहले जो टाइम गुजर चुका है उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है. यही मीनिंग है ना प्रोस्पेक्टिव का. ठीक. तो प्रोस्पेक्टिवली चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट विल बी इनकॉर्पोरेटेड प्रोस्पेक्टिवली, एंड द प्रोस्पेक्टिव मीन्स that the change will affect the current year financial statement and the later years. The current year and the later years. मैं ये कह रहा हूँ कि examiner जो है एक तो आपको straight बता दे कि remaining useful life है कितनी. अब ये question जब आपने originally लिखा 2007 में जब मैंने question शुरू करवाया तो मैंने आपको कहा यार इसकी useful life है 10 साल. इसका मतलब है ओरिजिनल एस्टीमेट इसका कितना है? 10 साल. अब आपको बताता है 2009 में हमने इसको जब रिवाइज किया तो यूजफुल लाइफ का एस्टीमेट अब 10 से चेंज हो गया. कितने पे चला गया? 6 पे. यही कह रहे ना एस्टीमेट रिवाइज कितने पे चला गया? 6 years. वो ये नहीं मैंने लिखवाया आपको कि रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 6 साल. व्हाट आई एम सेइंग दैट द यूजफुल लाइफ एस्टीमेट इज नाउ 6 years. पहले कितना था? 10 साल. तो चेंज तो हो गया ना. अब जब चेंज तो हो गया लेकिन हमने 2009 की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी. अब यहां पे मिस्टेक ये होती है कि यहां पर हम 6 लिख रहे. अब उसने तो 6 साल बता दिए लेकिन 2 तो गुजर चुके हैं. हमने तो प्रोस्पेक्टिव लेके चलना है इसको. ऐसे ही ना 2 6 में से 2 गुजर गए जैसे 10 में से पहले 2 गुजरे हुए थे बाकी 8 रहते थे. अब फिर टोटल एस्टीमेट कितना बन गया? 6. 6 में से कितने साल गुजर चुके हैं? 2. सो व्हाट इज द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ? 4. तो इट इज ऑलवेज यहां पे जो डिनोमिनेटर आना है आपका जब आप यूजफुल लाइफ को लेंगे इट इज ऑलवेज रिमेनिंग यूजफुल लाइफ. तो हम बात क्या कर रहे हैं कि यहां तो एग्जामिनर आपको डायरेक्ट बता दे कि भाई रिमेनिंग यूजफुल लाइफ जो है ना वो इतनी है एट द टाइम ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट. आपको स्ट्रेट वे बता दे रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 4 साल है. तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. यूज दैट रिमेनिंग यूजफुल लाइफ. लेकिन इसमें ट्विस्ट क्या आ सकता है? एग्जामिनर वर्डिंग ट्विस्ट आ सकता है. वो कह जनाब द यूजफुल लाइफ एस्टिमेट विच वॉज ओरिजिनली 10 ईयर्स नाउ इट इज 6 ईयर्स. ये की बात है. अब जब आप 10 को 6 करेंगे तो चेंज तो आया है. अब बच्चे क्या करते हैं वो जब डेप्रिसिएशन निकालने जाएंगे इसी सिचुएशन में वो इस 4 को नहीं लेंगे वो इस 6 को ले लेंगे. बस हो गया एग्जामिनर का ऑब्जेक्टिव अकॉम्प्लिश. वो यही चाह रहा था कि आप 6 लें. व्हाट ही वांट्स आपने कोई एक कॉस्ट एस्टिमेट तो नहीं है बेटा? आप मेरे ख्याल में अभी आए हो. 17 क्या है? 1000. तो मैंने क्या कहा था जब आप एस्टिमेट चेंज होगा जिस साल में तो आप उस साल के शुरू की WDV लेंगे माइनस करेंगे आप 5. अब यही तो प्रोस्पेक्टिव है. इसका मतलब है 20 में से 3 तो डेप्रिसिएट हो चुका उसको तो नहीं लेना आपने. 17 लेने का मतलब क्या है?
प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन जो रिमेनिंग है, 17,000 ही रिमेनिंग है ना, उसमें से 5,000 उसकी रेजिडुअल वैल्यू, वो तो पहले भी माइनस कर रहे थे, अब जो बाकी बचा 12,000 उसने रिमेनिंग लाइफ पे डेप्रिसिएट हो, दैट इज 4, ठीक हो गया। तो एक तो इस बात को आपने जरा ध्यान से कंसिडर करना एग्जाम के अंदर। अब एस्टिमेशन जो है वो सिर्फ यूजफुल लाइफ की चेंज नहीं हो सकती, इट कैन बी रेजिडुअल वैल्यू, इट कैन बी डेप्रिसिएशन मेथड। नहीं, 2009 में ही कहेगा भाई, 2009 में कहेगा तो 2 साल गुजरे होंगे ना, अगर 2007 में ही कहेगा तो फिर तो गुजरा ही कुछ नहीं, फिर तो शुरू ही 2007 से। यही मैं आपको बता, दिस इज द पॉइंट, इट हैज टू बी डिवाइडेड विद रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। आपका डिनोमिनेटर जो आना है वो क्या है, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, सही हो गया। अब देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सिर्फ यूजफुल लाइफ ही नहीं है एस्टिमेशन, हमने कितने लिखे हैं, रेजिडुअल वैल्यू, डेप्रिसिएशन मेथड, इनमें भी चेंज आ सकता। अब फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये कहूँ कि 2009 में यूजफुल लाइफ में चेंज तो नहीं आया फॉर एग्जांपल, लेकिन इसकी रेजिडुअल वैल्यू बदल गई, तो रेजिडुअल वैल्यू जो है पहले कितनी आ रही है जी, 5,000, नाउ इट इज 4,000, लेट्स सपोज 4,000, तो क्या डेप्रिसिएशन आएगी, व्हाट इज द डेप्रिसिएशन नाउ इफ द रेजिडुअल वैल्यू एस्टिमेट इज बीइंग चेंज्ड। तो 2009 की डेप्रिसिएशन कितनी आएगी, तो हम कह रहे हैं आप 2009 की डेप्रिसिएशन जो आएगी अगर रेजिडुअल वैल्यू बदल जाए तो हम कहेंगे वही प्रोस्पेक्टिव भी चल रहा है, आपने 2009 के शुरू की बुक वैल्यू ले लें कितनी है, 17,000 माइनस रिवाइज्ड एस्टिमेशन ऑफ द रेजिडुअल 4,000 डिवाइडेड बाय, अब देखें यहां पर अगर आप 10 यूज करेंगे तो फिर गलत हो जाएगा, देन इट हैज टू बी डिवाइडेड विद रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, 2 साल तो गुजर चुके हैं ना 10 में से, नाउ इट्स 8, नाउ इट इज, इट हैज टू बी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। अगर यूजफुल लाइफ का एस्टिमेट नहीं बदला, ओरिजिनली 10 साल का था ना, फिर भी 7 और 8 में 2 साल गुजर चुके, तो 2009 से ऑनवर्ड कितने बाकी साल रहते हैं, 8 साल, सो इट हैज टू बी डिवाइडेड विद रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। जब मैं ना क्या है तो फिर आप दो के लिए लगा रहे, 2 years के लिए लगा रहे। मैंने ये कहा ही नहीं है, did I say this? Did I say this? I didn't say anything. मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा। आपने ऐसे नहीं, आपने ऐसे किया है, देखिए वो ऊपर वाला तो कह 74 डिवाइड बाय 4 किया आपने, 10 इयर्स थे ना हमारे पास टोटल ईयर, उसमें से 6 इयर्स गुजर गए। मैंने ये कब कहा, कब कहा ये भाई, मैंने ये, ओ यार तुम ना, मैं तुम्हें बताऊं, तुम ना ज़हनी आवारा है, ठीक है, क्लास में बैठा बैठा इधर उधर निकल जाता, फिरता रहता है वर्चुअली, फिर इसको ताला ख्याल आता है आई वाज सिटिंग इन क्लास, एकदम वापस आता, अब बीच में जो है वो गैप आ गया होता है, अभी उसका 6 तो शुरू है, 6, अच्छा 10 तो 6 हो गया है, नहीं आपको प्रेजेंट रहना चाहिए ना, फिजिकली के साथ साथ मेंटली भी प्रेजेंट होना पड़ेगा, ठीक। हमने बात ये की कि 2009 में हमने यूजफुल लाइफ का एस्टिमेट ही बदल दिया, हमने कहा जी 10 से 6 हो गए, हमने ये थोड़ी कहा कि 6 साल गुजर गए, मैंने तो ये लाइन ही नहीं बोली 6 साल गुजर गए, मैंने कहा जी यूजफुल लाइफ एस्टिमेट हैज नाउ चेंज फ्रॉम 10 to 6, यही बात कर रहे हैं। अब 2007 में चूंकि हमने एसेट खरीदा था तो 2007 गुजर चुका है, 2008 गुजर चुका है, अगर इसकी यूजफुल लाइफ 10 साल हो तो रिमेनिंग लाइफ बनती है 8 साल, अगर इसकी यूजफुल लाइफ का एस्टिमेट चेंज होकर 10 से 6 हो चुका है तो रिमेनिंग लाइफ बनती है 4 साल। अब ये कोई इतना मुश्किल हिसाब तो है नहीं, लेकिन अगर आप इधर उधर निकल के वापस आएंगे तो फिर आप,
ठीक है, सो इट इज 4 years. अब आपको समझ आ रहा है दिस इज डिनोमिनेटर, ये बड़ा क्रिटिकल है डिनोमिनेटर. समझ आ रही बात कि अगर आप रेजिडुअल वैल्यू भी चेंज कर दें, इफ यू जस्ट चेंज द रेजिडुअल वैल्यू, ठीक, तो क्या होगा, आपको फिर डिनोमिनेटर में क्या लेनी है. अगर अब आप यहां पे 10 लिख गए तो काम फिर खराब होगा. अगर वर्ड नाउ यूज हुआ हुआ तब, मतलब नाउ यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट इज नाउ 6 years. नाउ 6 years, इसका टोटल रिमेनिंग कैसे, नाउ की वजह से रिमेनिंग नहीं बनेगा, नाउ की वजह से मतलब अब इनका ओरिजिनल एस्टिमेट जो पहले 10 साल का था वो 6 साल का. इन ऑर्डर टू बी क्लियर, एग्जामिनर आपने देखना है कि एग्जामिनर किस तरह एक्सप्लिसिटली मतलब क्लियरली वो आपको बताए कि रिमेनिंग लाइफ. जनरली वो आपको बताएगा टोटल यूजफुल लाइफ, वो चेंज हो गई है. एस्टिमेट बताना, नाउ द ओरिजिनल एस्टिमेट ऑफ यूजफुल लाइफ हैज बीन रिवाइज्ड टू 5 years. अब आप इधर से कैसे, नाउ ही वर्ड यूज किया मैंने, अब इस नाउ से आप क्या इन्फर करेंगे, क्या अंदाजा लगाएंगे कि ये रिमेनिंग लाइफ है. नाउ इट इज सिंपली द ओरिजिनल एस्टिमेट ऑफ 10 years इज नाउ 5 years. यू स्टिल हैव टू कैलकुलेट द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ. ठीक, आपने इंग्लिश की स्टेटमेंट पढ़नी है और उसको कॉम्प्रीहेंड करना है, कोई लॉजिक नहीं है. अगर आप कॉम्प्रीहेंड करके पढ़ेंगे तो बड़े आसानी से निकल आएगा. ठीक, और अपने आप को वो बाउंड ना करें कि ये होगा तो फलां, ऐसे बिल्कुल नहीं सोचना. देखें आप रेट्रोस्पेक्टिव, एक तो हमने अभी पढ़ा नहीं लव्स. प्रोस्पेक्टिव मीन्स क्या है, प्रोस्पेक्टिव मीन्स है कि एस्टिमेट की वजह से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तब्दीली आएगी इस आइटम से रिलेटेड, जिस भी आइटम की आप बात कर रहे हैं, वो उस साल को अफेक्ट करेगी जिस साल में चेंज आया और आने वाले साल में. रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है पिछले अकाउंटिंग ईयर्स में भी चेंजेस करनी पड़ेंगे. अभी तो हम नहीं कर रहे ना 2008 में चेंज या 2007 में चेंज, वी आर नॉट मेकिंग एनी चेंज. इसका मतलब दिस इज नॉट रेट्रोस्पेक्टिव, सही हो गया, प्रोस्पेक्टिव है ये. इट विल अफेक्ट द करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द लेटर ईयर. आप मेरे ख्याल में ना ही आया करें. वैसे भी आप घंटा लेट आते हैं, आधा घंटा आते हैं आप, एंड यू नो सारी बातें आपको उसी आधे घंटे में करनी. रिमेनिंग लाइफ कितनी रहेगी, 6 में से 4. तो ये पीछे से ही हमने अफेक्ट लिया ना, ये स्टेटमेंट नहीं पीछे, वो तो आपने रिमेनिंग लाइफ के लिए लिया ना, आपने उसके पिछले सालों के डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो नहीं चेंज किया ना P&L में पिछले साल के. एक्सपेंस नहीं चेंज किया लेकिन यूजफुल लाइफ तो चेंज किया. तो यूजफुल लाइफ तो उसकी चेंज का अफेक्ट जो है वो किधर जा रहा है. यूजफुल लाइफ चेंज होने की वजह से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अफेक्ट आया वो क्या है, अ चेंज इन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस. उस इफेक्ट को कैसे इनकॉर्पोरेट किया आपने 2009 से ऑनवर्ड लेकर गए हो ना, तो प्रोस्पेक्टिव ही हुआ ना. अगर आप नहीं करोगे माइनस पिछले 2 साल तो ये प्रोस्पेक्टिव नहीं रहेगा. उसको प्रोस्पेक्टिव करने के लिए तो आप ये कर रहे हो. अगर तुम इसको 6 पे कर दो तो ये प्रोस्पेक्टिव तो नहीं रहेगा, इसका मतलब वो तो पिछले सालों में भी चला गया. यही बात मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आपने 8 लगाया है, ठीक है, तो आपने रिमेनिंग पीरियड नहीं लगाया. घूम गया है. सो द डिनोमिनेटर इज द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ. अब अगर मैं आपसे ये कहूं डेप्रिसिएशन मेथड बदल गया 2009 में फ्रॉम स्ट्रेट लाइन टू रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एंड द रेट इज 25%, तो अब आप कैसे डेप्रिसिएशन निकालेंगे 2009 की. अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 2009 में डेप्रिसिएशन मेथड चेंज हो गया और वो स्ट्रेट लाइन से रिड्यूस बैलेंस मेथड एट 25%, तो 2009 की डेप्रिसिएशन क्या निकलेगी, तो हम कहेंगे सबसे आसान काम है ये, और वो ये है कि
net book value at the start of the year into 25%. This is one of the easiest thing to do. No tension of remaining useful life and residual value. इसका मतलब है ये फिर पेपर में नहीं आएगा. सादा सी बात होगी ना, कंक्लूजन वही वहीं पे निकाल लें. तो एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा आपसे, वो आपसे कहाँ पर पूछेगा, वो जहाँ पर ट्विस्ट है. और ट्विस्ट कहाँ पे है? चेंज इन द यूजफुल लाइफ, दैट इज द ट्विस्ट. इट हैज़ टू बी डिवाइडेड विद द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ. तो ये आपने याद रखना है आज के इस पूरी डिस्कशन में. और एक सवाल लिख लें अपने पास, ज़्यादा ज़्यादा घर पे कीजिएगा. सॉरी, राइस की बुक मैंने आपको कहा था 15 तारीख को आ रही है. मीनवाइल मैंने आपसे कहा था कि आप आई कैप का स्टडी टेक्स्ट जो है वो पुराना वर्जन पड़ा हुआ है यार, मेरे पास तो है. शेर मैं स्टैंडर्ड पूरा रखवा देता हूँ I-16, ठीक है ना? राइस की बुक में से ना उसको फोटो कापी करवा के मैं उसको रखवा देता. हाँ जी, क्वेश्चन. अब आप नोट्स अगर ले ही लेंगे तो आप क्वेश्चन नंबर लिख लें अपने पास, राइस की बुक के क्वेश्चन नंबर लिख लें. लेकिन अब आपने करना जी प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर वन. प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर वन और एक आपने करना है प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15. अप टू 19. ठीक, ये सारे चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट के सवाल. ऑल चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट 13 से लेके 19 तक मैं दे रहा हूँ. ये फोटोकॉपियर के पास ले जाओ किताब, ये वाला पेज है. जिसने कराना हो बस ये करा ले, बाकी ये पूरा स्टैंडर्ड का अगर कराना है तो वो करा. ठीक है, बच्चों को बता. ये मैं फोटोकॉपियर के पास भेज रहा हूँ बुक, तो आप उससे जाके ले सकते. ठीक,